भी डिस्कस करा हमने हाँ भी डिस्कस करा था सिनगेमी के बारे में सिनगेमी क्या होता है कम्प्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स राइट इसकी टाइप्स हैं एंड आइसोगेमी एंड ओगेमी आइसोगेमी में जो फ्यूजिंग गेमीट्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं नो वन कैन टेल देम अपार्ट कि कौन सा मेल है कौन सा फ़ीमेल है एंड आइसोगेमी में क्या होगा एन आइसोगेमी में दो फ्यूजिंग गेमीट्स जो होंगे दे आर डिसिमिलर राइट मतलब हो सकता है दोनों का साइज़ अलग हो या दोनों की या क्या लग हो सकता है बेटा दोनों की मूवमेंट एक नॉन मोटाइल और एक मोटाइल हो उगैमी में क्या होता है जो बड़ा होता है वो नॉन मोटाइल होता है जो छोटा होता है वो मोटाइल होता है बड़े वाला फीमेल के मीट होता है और छोटे वाला मेल के मीट होता है क्लियर तो ये थी हमारे पास सिनगेमी की आगे टाइप्स अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन व्हाट इज कॉन्जुगेशन बेटा कॉन्जुगेशन इज जस्ट टेम्परेरी टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स बस दो इंडिविजुअल्स टेम्परेरी आपस में जो है यूनियन करेंगे और अपने न्यूक्लियस को एक्सचेंज करेंगे बस एंड एक्सचेंज देयर न्यूक्लियस राइट सो दैट जाएगाट इज़ प्रोड्यूस्ड बस तो इसमें कम्प्लीट एंड परमानेंट फ्यूज़न नहीं होती गीट्स कि इसमें दो पेरेंट्स आपस में क्या करेंगे सो कॉन्जोगेशन बेटा जो यूनियन है पेरेंट्स का वो टेम्परेरी होगा वो अपने मटीरियल अपना जो न्यूक्लियस है वो एक्सचेंज करेंगे और उससे जायगॉट का न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा सो जायकॉट न्यूक्लियस इज़ प्रोड्यूस्ड राइट उसके बाद जो डॉटर्स होती हैं जो डॉटर इंडिविजुअल्स हैं वो हम कह सकते हैं कि जो जायगॉट बनेगा जायगॉट का न्यूक्लियस बनेगा वो आगे डॉटर्स इंडिविजुअल्स बनाएगा बाय फिशन हमें इसमें इतनी डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे बस इसमें टेम्प्रेरी यूनियन होता है और वो अपने मटीरियल जो है वो अपना न्यूक्लियस एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज करने के बाद जायगॉट का न्यूक्लियस बन जाता है दैट सेट और ये किसमें होता है लाइक दैट ऑफ एन पैरामिशियम राइट क्लियर नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट जो है नॉट टाइप जो नेक्स्ट हमारे पास जनरल uh, करेक्टर है प्रोटेस्ट का वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट्स लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट्स उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है राइट right, बेटा अब हमारे माइंड में क्वेश्चन व्हाट इज़ लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल वो सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं बिटवीन एनी गिवन फेज़ इन वन जनरेशन एंड द सिमिलर फेज ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग जनरेशन तो एक टाइम पे किसी एक जनरेशन का कोई एक फेज ले लिया हमने राइट वही सिमिलर फेज अगली जनरेशन का के तक के टाइम के बीच को हम क्या कहते हैं लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स मैं इसको लिख रही हूँ फिर एक बार फिर आपको समझाऊंगी द सीक्वेंस लाइफ साइकिल क्या होती है द सवेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन Any given phase in one generation and the similar phase of the next succeeding generation. तो लाइफ साइकिल पर डेज का द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो सारे इवेंट्स सीक्वेंस वाइज कोई भी गिवन फेज़ ले लिया हम एक जनरेशन का मान लो मान लो मैंने रिप्रोडक्टिव फेज ले लिया तो अगली जनरेशन के सिमिलर फेज तक के टाइम के बीच में जितने भी फेजेस आते हैं जितने भी इवेंट्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं लाइफ साइकिल यानी कि अगर पेरेंट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और अगली जनरेशन यानी कि उसके बेबी या उसका जो अगला इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसके रिप्रोडक्शन करने तक के बीच के जितने भी इवेंट्स होंगे दैट इज द लाइफ साइकिल राइट तो टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल मिलते हैं हमें प्रोटेस्ट में दो तरह के लाइफ साइकिल हैं प्रोटेस्ट के एक है लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस एक है लाइफ साइकिल शोइंग गेमीटिक मियोसिस एक तरह के लाइफ साइकिल में तो जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट आगे मियोसिस करेगा और एक तरह के लाइफ साइकिल में पहले गमीट्स बनेंगे फिर जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा राइट ये जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है बेसिकली कुछ डायनोफ्लाजलेट्स में ये भी एक तरह के क्या हैं बेटा प्रोटेस्ट हैं डाइनोफ्लाजिलेट्स तो इसमें क्या होता है जब जायॉड बन जाता है जायगोड कैसे बनेगा यस yes, गेमीट्स की फ्यूजन से जायगोड बन जाएगा तो एन थे गेमीट्स एन एन जायॉड क्या बन गया टू एन अब जायगॉट क्या कर रहा है मियोसिस मियोसिस करने के बाद जायगॉट क्या बनाएगा जायगॉट टिक स्पोर्स बनाएगा राइट right? तो जायगोड टू एन वो डिवाइड करेगा मियोसिस करेगा और जायो और हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स बना देगा या स्पोर्स बना देगा राइट right? जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा फिर एन इसको हम और भी कह सकते हैं इसको हम वेजिटेटिव सेल्स भी कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो दे आर ऑल्सो एज कि ये क्या बनाएगा वेजिटेटिव सेल्स बनाएगा और वो उनका नेचर क्या होगा एन होगा यानी कि पहले गेमिट्स एन एन उनकी फ्यूजन से टू एन टू एन में फिर से मियोसिस मियोसिस के बाद जाके जो सेल्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे एन राइट right? अब ये सेल्स आगे फिर कैसे डिवाइड करेंगे ये सेल्स अब आगे डिवाइड करेंगे माइटोसिस से ऐसा क्यों बिकॉज माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता होता है तो आगे वाले सेल्स जो बनेंगे न्यू सेल्स उसमें भी जो न्यू सेल्स जो बने हैं उनमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा एन ही होगा क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा एन राइट क्लियर है ये चीज़ सो जाइगोटिक मियोसिस में हम बात कर रहे थे डायनोफ्लाजिलेट्स की राइट right? जो स्पर्म है एंड ओवम या गेमीट्स जो हैं वो एन थे वो फ्यूज करके जाएगोट देट इज़ टू एन जाएगोट आगे मीओसिस करके वेजिटेटिव सेल्स वेजिटेटिव सेल्स क्या होंगे एन होंगे क्योंकि उन्होंने भी क्या करी है मीओसिस हमें पता है मीओसिस से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है रिड्यूस टू हाफ पहले क्या था टू एन अब क्या हो गया एन राइट और अब फिर ये वाले सेल्स क्या करेंगे माइटॉसिस लेकिन जो नए सेल्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे एन क्योंकि माइटॉसिस से क्रोमोसोम नंबर क्या रहता होता है सेम राइट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन केस ऑफ माइटोसिस स्टूडेंट्स ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चीजें हैं सारी राइट right? क्लियर तो ये था हमारे पास जाइगोटिक म्यूसिस वाला लाइफ साइकिल एक है हमारे पास गिमीटिक म्योसिस का लाइफ साइकिल बेटा मोस्टली जो प्रोटोजोन्स होते हैं प्रोटोजोन्स कौन होते हैं प्रोटेस्ट ही होते हैं लेकिन ये एनिमल लाइक -like प्रोटेस्ट होते हैं राइट मोस्टली प्रोटोजोन्स एंड डायटम्स ये बेटा क्या शो करते हैं लाइफ साइकिल विद गेमीटिक मियोसिस तो इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल किस कंडीशन में गुजारता है टू एन मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल यानी कि उसकी मेन बॉडी क्या होती है डिप्लॉयड डिप्लॉयड मतलब हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम क्लियर तो उसने जब गेमीट्स बनाने होंगे बस उसी टाइम पे क्या करेगा वो मियोसिस करेगा सपोज अब गीस बनाने का टाइम आ गया अब उसने मियोसिस कर ली तो एक मेल के और एक फीमेल के दोनों की फर्टिलेशन के बाद हमारे पास क्या बना जायगोट बना जायगोट कैसा बनेगा अब ये एन था ये भी क्या है एन जायगोड बनेगा टू एन राइट right? तो इसने सिर्फ कब यूज करा मियोसिस को क्या बनाने के लिए ओनली गेमीट्स तो हम क्या बोलेंगे कि दिस विल शो गेमीटिक मियोसिस उसके बाद जायगोड क्या करेगा जायगोट पूरे इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा ग्रो हो जाएगा राइट right? डिप्लॉयड इंडिविजुअल बना देगा तो फिर से वही चीज इंडिविजुअल क्या होगा टू एन फिर से जब इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन करनी होगी तो उसको क्या करनी पड़ेगी मियोसिस तो ऐसा ही लाइफ साइकिल में इनके चलता रहेगा यानी कि इनके दो तरह के लाइफ साइकिल हैं जाइगॉटिक लाइफ साइकिल एंड गेमिटिक लाइफ साइकिल और इसी के साथ हमारे जनरल करेक्टर्स ऑफ प्रोटेस्ट्स अब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं हम इनको एक बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं हमने कौन कौन से जनरल कर रहे थे प्रोटेस्ट के तो सबसे पहले हमने इनकी अक्रेंस की बात करी थी कि एक्वाटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं सी में फ्रेश वाटर में सॉयल में मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं राइट right? इनकी जनरल स्ट्रक्चर में डिस्कस करी थी हमने कहा था इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनालिज होती हैं राइट इनमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर क्लियर न्यूक्लियोलस भी होता है इनमें फिर हमने सेकंड जो थर्ड uh, पॉइंट डिस्कस करते हैं इनकी लोकोमोशन कि इनकी लोकोमोशन सूडोपोडे से भी होती है फ्लैजला से भी होती है सिलिया से भी होती है वॉर्म लाइक मोमेंट भी होती है और म्यूसिलेज की हेल्प से भी इनकी मोमेंट होती है तो हम पहले बात करेंगे सूडोपोडिया की हेल्प से बेटा सूडोपोडिया की हेल्प से क्रीपिंग टाइप ऑफ मोमेंट होती है स्लो क्रीपिंग टाइप रिंगने जैसी राइट तो सूडोपोडिया की भी आगे टाइप्स हैं लोबोपोडिया फिलोपोडिया एक्सोपोडिया रेटिकुलोपोडिया लोबोपोडिया काफ़ी शॉर्ट और ब्लंट होता है तीखा नहीं होता फिलोपोडिया फिलामेंट की तरह होता है लेकिन स्टिफ नहीं होता हार्ड नहीं होता फाइन होता है लेकिन हार्ड नहीं होता एक्सोपोडिया फिलोपोडिया से बड़ा होता है लेकिन स्टिफ होता है रेटिकुलोपोडिया में जो एडजेसेंट हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होती हैं एडजेसेंट जो सेल की स्ट्रक्चर्स हैं ये सूडोपोडियल स्ट्रक्चर्स हैं वो कंबाइन करके क्या देती मतलब बना देती हैं रेटिकुलम मतलब नेटवर्क बना देती हैं क्लियर इसके बाद हमने फ्लैजला वाली मोशन पढ़ी थी कि फ्लैजला की हेल्प से ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फ्लैजला जो है वो विप लाइक मूवमेंट शो करता है चाबुक की तरह सिलरी मूवमेंट में सिलिया जो है वो हेल्प करते हैं सिलिया और की तरह और बीटिंग की तरह मूवमेंट में हेल्प करेगा और क्या होता है चप्पू जैसे वो बोट का चप्पू होता है ना इस तरह से राइट तो सिलिया की मूवमेंट दो तरह की थी आइसोक्रॉनिक एंड मेटाक्रॉनिक आइसोक्रॉनिक में सारे के सारे बॉडी के सिलिया जो हैं वो इकट्ठे बीट करते हैं मेटाक्रॉनस में वन आफ्टर द अदर जैसे एक सिलिया मूव कर गया फिर नेक्स्ट फिर थर्ड फिर फोर्थ इस तरह से रिगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट में ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन लोकोमोशन बाय म्यूसलेज प्रोपल्शन में कैसे होता है ऑर्गेनिज्म म्यूसिलेज रिलीज करता है जिस साइड पे वो म्यूसलेज रिलीज करेगा ऑर्गेनिजम उसके आगे पुश हो जाएगा राइट right? ये तो थी इनके लोकोमोशन की बात अब हम बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन की मैंने बताया था ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और ये होलोजोइक भी होते हैं मतलब ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं इंट्रा होती है जैसे कि इन केस ऑफ अमीबा में पैरामीशियम में राइट एंड अदर इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ये डेड एंडइंग मैटर को पे ग्रो करते हैं सिंपल चीज़ों को ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में कन्वर्ट करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं मतलब ये बाहर पहले इंजाइम्स रिलीज कर देते हैं उस एंजाइम की हेल्प से कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं फिर उसके बाद इन चीज़ों को एब्सॉर्ब करते हैं मिक्स और ट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था यूगलिना का होता है इस ये ऑटोट्रॉफिक बन जाती है मतलब होलोफिटिक बन जाती है जब लाइट अवेलेबल होती है जब लाइट नहीं होती तो क्या बन जाती है सेप्रोट्रॉफिक पैरासिटिक में क्या होता है ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है जो न्यूट्रिशन देता है इसको या जिसकी बॉडी पर रहता है उसको होस्ट कहते हैं जो रहता है दूसरे की बॉडी पर उसको पैरासाइट बोलते हैं राइट right? सिम्बायोटिक में दोनों को म्यूचुअल हेल्प मिलती है जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी यहाँ पे टर्माइट्स की टर्माइट्स जो होती हैं उनकी इंटस्टाइन में ट्राइकोनिम्फा होता है ट्राइकोनिम्फा सेलुलोज को डिजेस्ट करने में हेल्प करता है और ट्राइकोनिम्फा जो है उसको इन रिटर्न टर्माइट से फूड शेयरिंग करने को मिल जाती है पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं तो जब सो सौल, जब सोलबल ऑर्गेनिक फूड इंजेस्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं पिनो साइटोसिस कहते हैं फिर हमने बात करी थी इनकी रेस्पिरेशन की दो तरह की एरोबिक एंड एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं वो एनारोब्स होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं वो एरोब्स होते हैं फिर हमने डिस्कस करा आज इनके रिप्रोडक्शन के बारे में रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने कल ही शुरू कर लिया था लेकिन हमने सिर्फ ए सेक्चुअली प्रोडक्शन डिस्कस करी थी ए सेक्चुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है कोई गमीत नहीं बनता और ना ही फर्टिलाइजेशन होती है ए सेक्चुअली प्रोडक्शन की आगे टाइप्स थी बाइनरी फिशन तो ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाएगा सी मल्टीपल फिशन में क्या था ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इंडिविजुअल्स में टूट जाएगा प्लाज्मोटोमी क्या थी इंडिविजुअल सिंगल ही था एक ही था उसमें न्यूक्लियस बड़े ज्यादा थे न्यूक्लियस की कटिंग नहीं होती सिर्फ साइटोप्लाज्म की कटिंग होती है सो कटिंग ऑफ मल्टीन्यूक्लियर पेरेंट इन टू मैनी मल्टीन्यूक्लियर इंडिविजुअल स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनते हैं स्पोर होता क्या है न्यूक्लियस विद द बिट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड एज़ स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने के टाइम पे ये क्या हो जाते हैं बेटा जर्मिनेट हो जाते हैं बडिंग में एक छोटी सी बड लाइक आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी के ऊपर बनती है वो बड लाइक आउटग्रोथ सेपरेट हो जाती है और डिवेल्प हो जाती है न्यू इंडिविजुअल में mm. सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्रोटेस्ट हमने आज डिस्कस करा था मैंने कहा था इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार देखी गई थी बैक्टीरिया में ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं होती ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती सेक्सुअल प्रोडक्शन के दो मेन इवेंट्स होते हैं एक मियोसिस होना एक फर्टिलाइजेशन होना मीओसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है फर्टिलाइजेशन जो है वो दो मीज़ को फर्टिलाइज करा के क्रोमोसोम नंबर को फिर से रीस्टोर करा देता है राइट right? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अब सेक्सुअल प्रोडक्शन के मेथड्स की सिनगेमी एंड कॉन्जुकेशन सिनगेमी होता है कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स पूरे के पूरे फ्यूज़ कर जाएंगे गेमीट्स इनकी आगे तीन टाइप्स हैं एंड एनआइसोगी एंड ओ गैमी में दो जो गेमीट्स फ्यूज़ कर रहे हैं मेल एंड फीमेल वो बिल्कुल एक्जैक्टली exactly, जो है वो सिमिलर होंगे नो वन कैन इवन टेल दैम अ पार्ट जो अनाइसोगेमी होती है उसमें एक गेमीट बड़ा एक गेमीट बड़ा होता है एक छोटा हो सकता है या दोनों का साइज अगर सेम होगा एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा लेकिन ओ में क्या होता है एक बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा छोटा होगा मोटाइल होगा तो दिस वन इज़ ओ राइट क्लियर और ऊरगहमी किस होती है लाइक दैट ऑफ इन केस ऑफ प्लाजमोडियम बेटा प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है मलेरिया कॉज करता है उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट मैं बात करती लाइफ साइकिल होती क्या है मान लो एक जनरेशन में मैंने एक फेज की डिस्कशन शुरू करी रिप्रोडक्शन की मान लो उसके तो अगली जनरेशन मतलब उसके बेबीज़ के रिप्रोडक्शन तक के टाइम के बीच के जितने भी इवेंट्स आएंगे वो सारे के सारे किसमें आते हैं इंक्लूडिंग लाइफ साइकिल राइट right. तो मैं बात कर रही थी लाइफ साइकिल प्रोटिस का दो तरह का है लाइफ साइकिल शोइंग जयगॉटिक म्योसिस एंड लाइफ साइकिल शोइंग गेमीटिक म्योसिस तो अगर जयगॉट म्योसिस कर रहा है तो जायगॉट तो हमेशा क्या होता है टू एन होता है राइट right? इन जो गेमीट्स बनेंगे जिनसे जयगॉट बना होगा ये गेमीट्स तो हाफ ही होते हैं हमेशा तो गेमीट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या है एन एन जब फ्यूज़ करा तो जयगॉट टू एन बन गया मियोसिस करने के बाद राइट right? जाएगाट ने क्या बनाए वेजिटिव सेल्स बनाए उन सेल्स की फिर आगे क्या होएगी माइटोसिस लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो पहले जायकॉट ने मियोसिस करके बनाई है सेल्स तो कैसा बनेगा अब एन क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल कैसा हो जाएगा हाफ फिर उसके बाद माइटोसिस करने से पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी लेकिन क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम क्योंकि अब क्या हो रही है माइटोसिस तो अब यहाँ पे मियोसिस किस टाइम पे हुई है जायगॉट की फॉर्मेशन के बाद तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जयगॉटिक मियोसिस कहते हैं नेक्स्ट था गेमीटिक मियोसिस गेमीटिक मियोसिस कब होती है गेमिट्स बनने के टाइम पे होती है जब गेमिट्स बनने होते हैं तो इस इंडिविजुअल का मेजर फेज जो होता है वो क्या होगा डिप्लॉयड राइट टू होगा टू एन फेज मियोसिस करेगा मियोसिस करने के बाद जाके क्या होएगी गमीट्स बनेंगे गेमीट्स फ्यूज होंगे फिर से क्या बन जाएगा जायगॉट अब क्योंकि गेमीट्स में एक बार ही गमीट्स बनने के टाइम पे म्यूसिस हो चुकी है ये कौन सी म्योसिस थी गेमीटिक म्योसिस अब सीधा जायगॉट किस में डिवेलप हो जाएगा इंडिविजुअल में तो यहाँ तक हमने इनके जनरल फीचर्स को पूरा डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स राइट right? हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्ट्स Till then, bye-bye.